नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्तमान काल और वर्तमान काल के प्रकार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, हमने पहले काल देखे हैं, काल के प्रकार देखे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब हम वर्तमान काल के जो तीन प्रकार है वह देखेंगे। पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। उदाहरणार्थ सुरेश गाना गाता है। दो, मयूरी जोर से चिल्लाती है। और तीन, बच्चे शोर मचाते हैं। तीन वाक्य, सुरेश गाना गाता है, मयूरी जोर से चिल्लाती है, बच्चे शोर मचाते हैं। अब जो पहला वाक्य है उसमें क्रिया है गाने की। यह क्रिया बोलते समय शुरू है, इसका मतलब है कि बोलते समय। सुरेश की गाना गाने की क्रिया बोलते समय शुरू है, लेकिन वह क्रिया कब से शुरू है इसका पता नहीं है। वह गाना गाने की क्रिया कब पूर्ण होगी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो समझो, जो क्रिया बोलते समय शुरू है लेकिन कब से शुरू है, कब पूर्ण होने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। दूसरा वाक्य, मयूरी जोर से चिल्लाती है। क्रिया है चिल्लाने की, क्रिया बोलते समय शुरू है, लेकिन यह मयूरी कब से चिल्लाती है मालूम नहीं, उसका चिल्लाना कब पूर्ण होगा मालूम नहीं। तीसरा वाक्य है, बच्चे शोर मचाते हैं। क्रिया है मचाने की, शोर मचाने की, दंगा करने की क्रिया, बोलते समय शुरू है। अब यह बच्चे कब से शोर मचाते हैं, एक घंटा पहले, सुबह, रात से, कब से शोर मचा रहे हैं मालूम नहीं है। शोर मचाने की क्रिया मतलब वह शांत बैठने की क्रिया कब होगी इसके बारे में भी कोई पता नहीं। तो जो क्रिया बोलते समय शुरू है लेकिन कब से शुरू है, कब पूर्ण होगी क्रिया, इसके बारे में बोध नहीं होता, तो सामान्य वर्तमान काल होता है। अब सामान्य वर्तमान काल पहचानना आसान बात है। क्रिया को ता, ती, ते, यह प्रत्यय लगते हैं। देखो, गाने की क्रिया है गाता, चिल्लाने की क्रिया है चिल्लाती, चिल्लाती मचाते, ठीक उसी तरह खाना खाते हैं, गाते हैं, रोते हैं, रोता है, सोती है, देखता है, चिढ़ाती है, पढ़ाई करती है, पढ़ाता है, वगैरह। ता है, ती है, ते है, यह जब क्रिया को लगता है तब समझना यह सामान्य वर्तमान काल है। अब आप सामान्य वर्तमान काल के 10 वाक्य अपने कापी में लिखो
कॉपी में ही लिखो, फोन पर मत भेजा करो, बाद में हम उसे जांच करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अब हम अपूर्ण वर्तमान काल देखने वाले हैं। उदाहरण, समीर पाठशाला जा रहा है। दो, समीना बातें कर रही है। किसान धीरे से चल रहा है। तीन वाक्य है। समीर पाठशाला जा रहा है, समीना बातें कर रही है, और किसान धीरे से चल रहा है। अब पहला वाक्य हम देखेंगे, समीर पाठशाला जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया है जाने की, है हमें बताता है कि क्रिया बोलते समय शुरू है। समीर पाठशाला, क्रिया जाने की है बोलते समय। यह जाने की क्रिया बोलते समय है, इसलिए यह वर्तमान है। अब यह जो समीर है अपने घर से पाठशाला जा रहा है, यह पाठशाला जा रहा है। अब यह जा रहा है मतलब अभी पाठशाला पहुंचा नहीं है। घर और पाठशाला इसके बीच में वह कहीं है, लेकिन बोलते समय उसकी क्रिया शुरू है, वह निकला है घर से, यहां पहुंचा नहीं है, बीच में है और चलना शुरू है। जाने की क्रिया शुरू है, पूर्ण नहीं हुई। अब यह पूर्ण नहीं हुई यह कैसे पता चलता है? रहा है, जा रहा है, जात आहे। तो समीर पाठशाला जा रहा है मतलब वह उसकी चलने की क्रिया शुरू है, पूर्ण नहीं हुई। तो जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है लेकिन बोलते समय शुरू है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अब याद देखो, समीना बातें कर रही है, अपनी सहेली के साथ वह बातें करती होगी, अपने मित्रों के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने माँ के साथ, किसी के साथ भी वह बातें करती है। क्रिया है करने की, बोलते समय शुरू है। अब उसकी बातें करने की क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, यह रही है, इससे बातें कर रही है, उसकी बातें करने की क्रिया शुरू है लेकिन पूर्ण नहीं हुई बोलते समय। तो जो क्रिया बोलते समय शुरू है लेकिन पूर्ण न होने का बोध होता है तब अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला वाक्य, किसान धीरे से चल रहा है। यह जो किसान है यह चल रहा है अपने कहीं खेत पर वगैरह, तो क्रिया है चलने की बोलते समय लेकिन पूर्ण नहीं हुई है इससे। तो किसान चलने की क्रिया बोलते समय शुरू है अभी तक पूर्ण नहीं हुई। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिया बोलते समय शुरू है लेकिन पूर्ण नहीं हुई, इस समय अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अब आपको अपूर्ण वर्तमान काल के 10 वाक्य लिखने हैं।
अपूर्ण वर्तमान काल पहचानने का आसान तरीका रहा है, रही है, रहे है। देखो सामान्य वर्तमान काल ता, ती, ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल रहा, रही, रहे हैं। रहा शब्द आया क्रिया के बाद, जा रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, चल रहा है, तो समझना है रहा है, रही है, रहे है। तो आंखें मूंद कर, आंखें बंद करके समझना है कि वह वर्तमान काल है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अब हम पूर्ण वर्तमान काल देखने वाले हैं। उदाहरण एक, गाड़ी स्टेशन गई है। दो, रमेश ने खाना खाया है। तीन, बच्चों ने क्रिकेट खेला है। तीन वाक्य, गाड़ी स्टेशन गई है, रमेश ने खाना खाया है और बच्चों ने क्रिकेट खेला है। पहला वाक्य है गाड़ी स्टेशन गई है, क्रिया है जाने की, जाना है बोलते समय, तो क्रिया बोलते समय। अब गई है, यह गाड़ी शुरू है, यहां से निकली हुई है और यहां स्टेशन है। गाड़ी स्टेशन में पहुंची है, बीच में नहीं, क्रिया पूर्ण हुई है, जहां जाना था वहां क्रिया पूर्ण हुई है और इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो गाड़ी बोलते समय स्टेशन में पहुंची है, गई है, क्रिया बोलते समय पूर्ण हुई है। रमेश ने खाना खाया है, अब बोलते समय खाने की क्रिया पूर्ण हुई है, अब इसके आगे रमेश खाना नहीं खाएगा, तो क्रिया बोलते समय पूर्ण होने का बोध होता है। बच्चों ने क्रिकेट खेला है, अब उनकी क्रिकेट खेलने की क्रिया, खेलने की क्रिया बोलते समय पूर्ण हुई है। तो जो क्रिया बोलते समय पूर्ण होने का बोध होता है तब पूर्ण वर्तमान काल होता है। पूर्ण वर्तमान काल में कभी कभी कर्ता को ने प्रत्यय लगता है, कभी नहीं लगता। गाड़ी स्टेशन गई, यहां ने प्रत्यय नहीं है, बट रमेश ने खाना खाया है, ने प्रत्यय आया है। तो यह पूर्ण वर्तमान काल में ने प्रत्यय लगता है। आप पूर्ण वर्तमान काल के 10 वाक्य लिखे। अब हम देखेंगे कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हम कैसे जाते हैं। हमने 3 वाक्य देखे हैं, 3 काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम एक वाक्य लेंगे सामान्य वर्तमान काल का। देखो, सुधा सुधा पाठशाला जाती है,
सामान्य वर्तमान काल का यह वाक्य है, क्योंकि जाति ता की ते है सामान्य वर्तमान काल। अब यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में कैसा होगा? सुधा पाठशाला जा रही है। हमने देखा था कि रहा, रही, रहे अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान। अभी यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में कैसा होगा? सुधा पाठशाला गई है, पूर्ण वर्तमान काल। उसकी जाने की क्रिया पूर्ण हुई है। देखो, सुधा पाठशाला जाती है सामान्य वर्तमान काल, सुधा पाठशाला जा रही है अपूर्ण वर्तमान काल, सुधा पाठशाला गई है पूर्ण वर्तमान काल। अब आपको अभ्यास के लिए मैं दो वाक्य दूंगा कि तीन प्रकार में आप वह करेंगे। एक, राम रावण को मारता है, और दूसरा, समीधा ने खाना पकाया है। यह दो वाक्य आप इस तरह से सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।